नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज हम जो वीडियो सीरीज लेके आए हैं इसमें हम कवर करेंगे आपके लिए वीएमसी प्रोग्रामिंग कंप्लीट, जो कि हम 6 से 7 घंटे के अंदर जो है पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर देंगे और आपको जो है 80% वीएमसी प्रोग्रामिंग सिखाने का वादा करते हैं। आपको इस पूरी वीडियो सीरीज को काफी ध्यान से देखना है। अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी जो है आप इसको स्टार्टिंग से सीखेंगे तब भी आपको जो है 80% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब क्योंकि वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो इसके लिए जो है हमें पूरी की पूरी डिटेल स्टार्टिंग से लेकर चलनी है, ताकि जो है आपको हम पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इजी वे में समझा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम विपिन कुमार यादव है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है एमडीयू रोहतक से। साथ में जो है मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सीएनसी कैड कैम जो कि मैंने किया है इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर से। इसके अलावा मेरे पास 5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जहां पर मैंने अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है। इसके साथ में जो मेरा 7 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी के साथ में मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर जो है हम सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 5 से 7 घंटे के अंदर जो है वीएमसी प्रोग्रामिंग सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को आप ध्यान से देखें और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो अपने कॉमेंट्स, अपने विचार जरूर कॉमेंट में डालें, जिससे कि हम इस कंटेंट को और बेटर कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहां पर जो है हम सबसे पहले समझेंगे कि सीएनसी मिलिंग या फिर वीएमसी मशीन बेसिकली है क्या। सीएनसी मिलिंग मशीन को ही हम वीएमसी मशीन कहते हैं और वीएमसी मशीन की जो फुल फॉर्म होती है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर या फिर वर्टिकल मिलिंग सेंटर, ये दोनों ही नाम जो है सीएनसी मिलिंग मशीन के हैं। तो यहां पर देखिए वीएमसी मशीन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मशीनिंग हम करते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं और जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो टूल फिक्स होता है उसकी जो एक्सेस होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि अप और डाउन के अलावा जो है हमारा जो टूल है वो लेफ्ट और राइट मूव नहीं करता है वीएमसी 3 एक्सिस की। और यहां पर देखिए वीएमसी मशीन के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो वर्क पीस है वो आपका बेड के ऊपर फिक्स होता है, टूल हमारा रोटेट करता है, वर्कपीस हमारा बेड के ऊपर फिक्स होता है, बेड का मूवमेंट एक्स और वाई एक्सिस में होता है, इसीलिए जो है ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कहलाती है। अब वीएमसी मशीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि वीएमसी मशीन जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो है आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा और आपको जो है मशीनिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये दो चीजों का जो है कॉम्बिनेशन आपका वीएमसी मशीन कहलाती है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिससे हम ऑपरेट करेंगे वो हमारा जो है कंट्रोल पैनल कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंट्रोल पैनल है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा ओल्ड फैशन्ड जो है वीएमसी मशीन का कंट्रोल पैनल है जो कि पुरानी सीरीज में हम चलाते थे, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट जो कंट्रोलर है जो कि आज की मशीन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों का फंक्शन सेम है बट जो ऑपरेट करने का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, कीज थोड़े से बदल गए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। यहां पर समझ लेते हैं कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस तरीके से इसमें यूज करेंगे। जब भी हम वीएमसी मशीन के अंदर प्रोग्राम डालेंगे तो हम इनपुट कीज का यूज करेंगे। ये हमारी इनपुट कीज है, इनके ऊपर जो है जो बटन दिए हुए हैं इन बटन के थ्रू जो है हम जी कोड और एम कोड को लिखेंगे, तभी जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो बनेगा और प्रोग्राम जो डिस्प्ले होगा वो इस स्क्रीन पर होगा, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमको जो है प्रोग्राम बनाना सीखना है। अब यहां पर देखिए ये आपके जो है आपके ऑपरेटर पैनल कीज होते हैं, इसमें जो है आपको ऑपरेटर को जो है कैसे इसको चलाना है, चलाने के लिए आपको ग्रीन बटन दबाना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है साइकिल ऑन, और रोकने के लिए जो है आपको साइकिल ऑफ बटन दबाना होता है। साथ में जो है अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, अचानक से मशीन को रोकना है, तो आपको जो है ये इमरजेंसी बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉमन है, बाकी देखिए डिटेल में अगर हमें जाएंगे तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। अभी हम समझते हैं कि वीएमसी मशीन का जो कंट्रोल पैनल है वो बेसिकली क्या फंक्शन करता है। इस कंट्रोल पैनल की मदद से
हम प्रोग्राम को डालते हैं मशीन के अंदर और इस साइकिल बटन ऑन करते ही जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मशीन को ये समझा देता है कि जो कमांड आपको दी जा रही है उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो आपकी मशीनिंग हो जाती है। अब क्योंकि वीएमसी मशीन के हमें जो है सारे पार्ट्स के बारे में जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के हम जो है समझ लेते हैं। ये है आपका वीएमसी मशीन बेड प्लेट। ये बेड प्लेट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपको कंपोनेंट को रखना है, जिस भी कंपोनेंट को आपको बनाना है। ठीक है, जो भी साइज आप डिसाइड करेंगे वो जो है इस बेड के साइज के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जो भी कंपोनेंट आप रखेंगे वो इस बेड के साइज से जो है छोटा होना चाहिए, तभी जो है आप इस पर मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो देखिए ये टी स्लॉट्स बने हुए हैं, इन स्लॉट्स के अंदर जो है आपको टी नट लगाना होता है, उस टी नट की हेल्प से जो है आप कंपोनेंट को होल्ड कर सकते हैं या फिर आप फिक्चर को होल्ड कर सकते हैं। अब फिक्चर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मशीन के ऊपर देखिए अलग अलग शेप साइज के जो है कंपोनेंट आप बना सकते हैं। वीएमसी मशीन की खास बात यही है कि इसके ऊपर आप किसी भी शेप का जो है कंपोनेंट लगा सकते हैं और कंपोनेंट को लगाने के लिए जो है आपको होल्ड करना पड़ेगा उस कंपोनेंट को, और उस कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसको हम वीएमसी फिक्चर बोलते हैं। ये हमारे फिक्चर है। ठीक है, इस फिक्चर के ऊपर जो है ये हमारी जो है प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये क्लच प्लेट जो बनाई हुई है उसका जो है ये फ्रेम बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही ये एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए जो है ये पूरा फिक्स्चर का डिवाइस जो है आपका लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस फिक्स्चर के ऊपर जो है आपको क्लैंपिंग डिवाइस लगे हुए हैं। ठीक है, इन क्लैंपिंग डिवाइस से जो है इस वर्कपीस के ऊपर प्रेशर रखना होता है, मेंटेन रखना होता है, और प्रेशर को कितना मेंटेन करना है इसके लिए जो है आपके सामने ये गेज दिया होता है। इसमें आपको जो है प्रेशर दिया होगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर कितना इसके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आपको इतना प्रेशर लगाना है जितना कि इस कंपोनेंट के ऊपर कोई भी डेंट या निशान ना पड़े, जिससे कि आपका जो है वर्कपीस की जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चीज इस मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर लगी रहती है। तो ये आपका वीएमसी फिक्चर है, ये आपका बेड है, इस बेड के ऊपर जो है आपको ये फिक्चर लगा देना है जिससे कि आपका जो कंपोनेंट है वो सही तरीके से फिक्स हो जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वीएमसी का स्पिंडल। ये स्पिंडल बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर जो है आपको टूल को होल्ड करना है, टूल जो होल्डर होगा वो आपको इसके अंदर लगाना है। ठीक है, ये आपका स्पिंडल है मशीन का, इसमें जो है ये आपका टूल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट है, तो इस स्पिंडल को जो है रोटेट करने के लिए एक स्पिंडल मोटर होती है जो इस पूरे स्पिंडल को हाई स्पीड पर रोटेट करती है, जिसकी मदद से जो आपका टूल रोटेट करता है, और टूल जब रोटेट करता है तो वो कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स को जो है वीएमसी मशीन जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मशीन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपकी मशीन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका स्पिंडल लगा हुआ है और ये आपका कंपोनेंट लगा है। इस तरीके से जो है आपको ये पूरी मशीन दिखेगी, और अलग अलग आप देखेंगे तो देखिए ये आपका कंट्रोल पैनल है, इसके अलावा ये आपका बेड है जिसके ऊपर आपको जो है ये फिक्स्चर को सेट करना है, और ये आपका फिक्स्चर है जिसके ऊपर आपको कंपोनेंट को होल्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वीएमसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है आपका वीएमसी स्पिंडल। स्पिंडल के अंदर जो है आपको टूल होल्डर लगाना है, टूल होल्डर देखिए ये टूल होल्डर लगा हुआ है, इसके साथ में जो है आपका ये अटैचमेंट लग के ये टूल लगा है। ठीक है, तो टूल होल्डर आएगा, पहले स्पिंडल, फिर टूल होल्डर, फिर टूल, तो ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन आपका चलता है। तो स्पिंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया ये स्पिंडल है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वीएमसी टूल होल्डर। अब टूल होल्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो साइज है बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, अब आपको जो है BT30, BT40, BT50 इस साइजेस में जो है आपका ये टूल होल्डर आता है। जब भी आप मशीन परचेस करेंगे तो उसका जो स्पिंडल का जो साइज है, यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं ये आपका जो है टूल होल्डर का ग्रिप करने का साइज है, ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, जब अगर आप BT30 का लेंगे तो आपको इसमें BT30 का ही टूल होल्डर लगाना है, अगर आप BT40 का लेंगे तो BT40 का जो आपको टूल होल्डर लगेगा। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वन टाइम जब आप परचेस करते हैं मशीन तभी आप जो है इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये BT30 का जो है आपका टूल होल्डर है। अब BT30 बेसिकली क्या होता है, ये टेपर जो वैल्यू दी होती है इसको जो है डिफाइन करता है BT30।
इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो है हम बेसिक जो नॉलेज देने वाले हैं वो आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि जो है जब हम प्रोग्रामिंग करें और जब हम ये टर्म्स यूज करेंगे तब आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये बिगिनर्स के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम इस VMC प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं। ठीक है, ये है आपका पुल स्टड, इसको बोलते हैं रिटेंशन नॉब। ठीक है, ये टूल होल्डर के ऊपर लगती है और ये जो है स्पिंडल के अंदर चली जाती है, जिससे कि इससे क्या होता है, ये इसके अंदर कूलेंट को फ्लो करा सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर से हम कूलेंट को फ्लो करा सकते हैं, वैक्यूम यानी एयर को डाल सकते हैं या एयर को खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिटेंशन नॉब भी कहलाती है और आपका जो है पुल स्टड भी कहलाता है। ठीक है, इसके बीच में जो है आपका होल होता है, इस होल के थ्रू आप जो है कूलेंट को पास करा सकते हैं। ठीक है, टूल के साइड से जो है आप कूलेंट निकलेगा, जिससे कि आपकी जो है फिनिशिंग बढ़िया आएगी, वो आपका जो फ्लो होगा वो इस रिटेंशन नॉब के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसमें देखिए, ये जो है आपका टूल होल्डर ग्रूव, ये जो है ग्रूव स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, इसके आगे जो है ये आपका स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, ये स्क्रू है कैपिंग स्क्रू, इसके बीच में जो है आपको टूल लगाना है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको टूल लगाना है, ये जो आपका टूल लगा हुआ है, ये देखिए ये आपका टूल लगा हुआ है। ठीक है, 5x8 11 UNC लिखा हुआ है, ये इस साइज का जो है आपका टैपिंग टूल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टूल आप चेंज कर सकते हैं, होल्डर आप सिमिलर टाइप का जो है होल्डर, उसके ऊपर जो है अलग अलग टाइप साइजेस के जो है टूल लगा सकते हैं। इसके बीच में एक चीज और लगती है जिसको हम बोलते हैं ER collet। ER collet के अंदर जो है हम टूल को रखते हैं, टूल को रखने के बाद जो है हम इसको इस कैप को लगा देते हैं और फिर जो है हमारा टूल रेडी हो जाता है। तो ये हमारा टूल होल्डर बेसिकली है और इसका जो कॉन्सेप्ट है आप वीडियो में भी देख पाएंगे। ठीक है, ये हैं आपके अलग अलग टाइप के टूल्स। ठीक है, ये अलग अलग साइजेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके सॉलिड कार्बाइड टूल्स हैं, ये आपके इंडेक्सेबल टूल्स हैं। ठीक है, ये आपके सॉलिड कार्बाइड है, सॉलिड कार्बाइड मतलब कि एक ही टूल होगा, इसमें आपका कटिंग एज भी मिलेगा और आपको जो है होल्डिंग भी सेम मिल जाएगा। ठीक है, और इंडेक्सेबल वो होते हैं जिसमें कि आप कटिंग एज वाला जो इंसर्ट है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये इंसर्ट्स को आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एज आपका ब्रेक करता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सॉलिड कार्बाइड में अगर आपका एज ब्रेक करता है तो आपको जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा नए सॉलिड कार्बाइड टूल से। ठीक है, ये आपके VMC टूल्स हो जाते हैं यहां तक। इसके बाद आते हैं आपके VMC कटर्स। अगर आपको बड़े साइज के जो कंपोनेंट को ऊपर मशीनिंग करनी है तो आपको वहां पर सॉलिड कार्बाइड टूल्स का यूज नहीं करना होता है, वहां पर आपको यूज करने पड़ते हैं बड़े बड़े कटर्स। तो ये कटर्स जो है इसमें क्या होता है, इंडेक्सेबल इंसर्ट्स लगी होती है, इन इंसर्ट्स को जो है इसमें लगाया जाता है और इनकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको VMC टूलिंग वाली जो वीडियो सीरीज है वहां पर आपको मिलेगी। तो ये हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको जो है इस टाइप के कटर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फेस मिलिंग कटर्स हैं आपके। ठीक है, जो फेस मिलिंग के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो अब यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद जो है हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है हमारी VMC एक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप जो है मशीनिंग में कभी भी भूलेंगे नहीं। जब भी आप मशीन के सामने खड़े होंगे, ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में ट्रैवल किस तरफ होगा, वाई में ट्रैवल किस तरफ होगा, जेड में ट्रैवल किस तरफ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसको राइट हैंड रूल के थ्रू जो है आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अपने हाथ की जो राइट हैंड है इसकी उंगलियों को जो है आप इस तरह से रख दीजिए और यहां पर अपने निशान के हिसाब से अपने अंगूठे को देखिए, इसको एक्स मान लीजिए, इस इंडेक्स फिंगर को आप जो है वाई मान लीजिए और ये जो एक्सिस है ये मिडिल फिंगर है, इसको बोलते हैं आप जेड। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, जब भी आप खड़े हो जाएंगे सामने तो आपके सामने जाएगी वो वाई हो गई, आपके लेफ्ट या राइट में जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस और अप और डाउन होगा वो आपका जेड एक्सिस होगा। तो ये चीज जो है आपको याद करनी है, ये चीज आपको याद तभी होगी जब आप जो है इस हाथ को राइट हैंड रूल को एक अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। राइट हैंड रूल में अपने राइट हैंड को इस तरह से सेट कर लीजिए, ठीक है, ये आप इस तरह से सेट करना है ताकि आपको अंगूठे से एक्स, इससे वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड, इस तरीके से जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, अंगूठा आपका एक्स, ये इंडेक्स फिंगर है वो आपकी वाई
और जो मिडिल फिंगर है वो आपका जेड हो जाएगा। ये याद कर लेंगे और आप मशीन के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको जो है कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्स में आपको कितना ट्रेवल करना है, वाई में कितना ट्रेवल करना है और जेड में कितना ट्रेवल करना है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस पूरी पिक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसको कभी भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो है कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मशीन जब भी आप चलाएंगे तो आपको जो है एक्सेस का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप जो है एक सही प्रोग्राम, सही मशीनिंग एक्सपर्ट जो है आप बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको अभी मिलता है इस ब्रेक के बाद। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।